नमस्कार दोस्तों, विलेज बिजनेस आइडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रामनिवास कुशवाहा और आज हमारी विजिट है एक पोल्ट्री फार्म का। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग थ्रू पोल्ट्री फार्म करते हैं और अभी शायद ये 3000 का लॉट है और ये भाई साहब हैं जो इस पोल्ट्री फार्म के ऑनर हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि ये कब से शुरू किए और क्या इसमें मतलब लागत है या फार्म बनाने में, और क्या इसमें प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, अभी तक कितने लॉट निकाले हैं, कौन सा कंपनी का है। इन सारी बातों को जानने के लिए हम भाई साहब से पूछते हैं। तो सर जी, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज बिजनेस आइडिया में। इधर थोड़ा देखिए सर, आपका नाम क्या हो गया? अरविंद कुमार मेहता। अरविंद कुमार मेहता, सर थोड़ा सा तेज बोलिएगा, ऐसे माइक आप ही रख लीजिए। तो सर जी, आपने बताइए कि ये फार्म जो है वो आप कितने साल पहले से शुरू किए हैं? लगभग एक साल एक महीना हो गया। एक साल एक महीना हो गया, अच्छा। तो एक साल एक महीना में आपने शुरू से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे थे या पर्सनल पाले? नहीं, शुरू से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। शुरू से ही। एक साल में मतलब अभी तक कितने लॉट निकाल दिए हैं? लगभग 7 है। 7 है, थोड़ी सी तेज बोलिएगा। 7 लॉट निकल गया है। और अभी तक जो कंपनी एक ही पकड़े हैं, बीच में चेंज किए? नहीं, जब शुरू में किया था तो दूसरा कंपनी था। अच्छा, दूसरा था। हाँ, उसके बाद उस 2 लॉट उससे डाले। अच्छा, गर्मी के मौसम से बच्चा बहुत नुकसान हो गया था। अच्छा, नुकसान हो रहा था। हाँ, और वो कंपनी हमको कुछ नहीं दिया तो हम जो है दूसरा कंपनी पकड़ लिया है। जी जी। और ये कंपनी से भी हमारे बहुत बढ़िया चल रहा है जी। थोड़ा इधर भी देखिए कैमरे पे। हाँ, ये कंपनी से बढ़िया चल रहा था। पहला जो कंपनी था उसे आपने 2 लॉट निकाले। हाँ, और 2 लॉट में थोड़ी बहुत बच्चा का मतलब मोर्टेलिटी हुआ तो आपने वो कंपनी छोड़ दिया। वो कंपनी कौन सा था? शालीमार था। और तो जैसा कि मेरे व्यूअर्स को ये मालूम होना चाहिए कि भाई साहब ने बोल रहे हैं कि एक साल पहले इन्होंने जो कंपनी पकड़ा था वो शालीमार था और 2 बैच उन्होंने उससे निकाले, उससे अच्छा रिजल्ट इनको नहीं मिला, मोर्टिलिटी कुछ हो रहा था, इसलिए कंपनी को छोड़ दिया। और अभी किस कंपनी का है सर? अभी राहुल फिल्ड, राहुल रोल्स का ये चला रहे हैं। तो इससे मतलब ये करीब करीब 5 बैच निकाले। छठा है सर जी। अभी कितने दिन का ये चिक्स हो गए मुर्गियाँ? यह हो गया 34 दिन। 34 दिन हो गया है। तो अभी इसका वेट कितना होगा? लगभग है 2 किलो 50 ग्राम 100 ग्राम ये सब है। 2 kg 50 ग्राम 100 ग्राम मतलब ये मुर्गियाँ का मतलब वजन हो गया है। तो अब तो ये मतलब ये जाने का समय हो गया। हाँ हाँ, अभी 2-3 दिन में चला जाएगा। 2-3 दिन में कंपनी वाले इसको ले जाएंगे। तो अभी जो रेट दे रहा है कंपनी वाले का, फिक्स रेट होता है कि आप मतलब जैसे 65 हो गया या 67 हो गया जो भी होगा, उससे मतलब कम में देने पे आपको 50 पैसा का प्रॉफिट होता है पर केजी, और ज़्यादा में देने पे कुछ मतलब लॉस में वो काटेगा आपका। हाँ, तो हाँ। अभी क्या जो रेट मार्किंग किस लेवल पे रखा है, कितना मतलब पर केजी के हिसाब से वो आपको दिया है? 65 है। 65 रुपया पर केजी के हिसाब से मतलब तैयार करके देना है। अगर इसे आप कम में देते हैं तो इनको 50 पैसे पर केजी के हिसाब से एक्स्ट्रा देता है ना। हाँ। और उससे अगर ऊपर भागता है तो 50 पैसे पर केजी के हिसाब से मतलब इनके कमीशन से काटता है। तो 65 रुपया पर केजी के हिसाब से कितने का कमीशन दे रहा है? 6-6.5 ऐसा कुछ? हाँ, लगभग वही 6.5 हो जाता है। 6.5 हो जाता है। आपने पिछला जो लॉट निकाले हैं वो कितने का बैच था, मतलब बच्चा? हाँ, बच्चा कितने का था? जैसे अभी 3000 का है ना। हाँ, अभी 3000 का है। पिछला भी कितने का था? कम था, मतलब आपको 2700 था। 2700 का था। तो 2700 का लॉट में मतलब वो जो निकला उसमें कितना का मतलब टोटल आपका जो कमीशन बनाया, जो आपका सैलरी बना, पेमेंट जो भी समझ लीजिए, वो कितने का आया था? तो हम लोग को 43000 मिला था। 43000 का कंपनी से दिया था। 43000 वो अकाउंट पर डालता है या कैश देता? नहीं, कैश देता है। कैश देता है। तो जिस दिन ये मुर्गियाँ मतलब लिफ्टिंग करती है, ले जाती है, उसके कितने दिन के बाद आपको अकाउंट में? 6 दिन के अंदर आपको कंपनी हिसाब कर देता है। 6 दिन के अंदर हिसाब कर देता है। और फिर बच्चे कितने दिन के बाद देती है? 15-20 दिन तक। 15-20 दिन के बाद बच्चे देती है। बच्चे देती है। हाँ, तो जैसा कि हमारे व्यूअर्स को जानना चाहिए कि भाई साहब का कहना है, थोड़ा सा ऐसे आइए क्योंकि माइक आपके पास है, कि पिछला जो लॉट था वो 2700 का बैच था और 2700 में इनका जो सैलरी बना जो, और वो बोल रहे हैं कि कितना, 47-48 बोल रहे? 45000 बोल रहे, 45000 बना। और ये जो है अभी 3000 का है, तो इसमें कुछ ऐसा ही 40+ जाएगा, 45 से करीब लगभग वही। हाँ, वही जाएगा। तो ये निकाल रहे हैं एक साल से। सर, ये फार्म बनाने में कितना आपका लागत लग गया था? फार्म मतलब 5 लाख रुपया लग गया था। 5 लाख रुपया लग गया था। थोड़ा तेज बोलिएगा। तो देख रहे हैं ये फार्म बनाने में एक साल पहले इन्होंने 5 लाख रुपया लगा था। इसका सर लंबाई कितना है? लंबाई 160 फीट है।
160 फुट, तो लंबाई जो है 160 फुट है और चौड़ाई जो है सर कितना है? 27 फुट। 27 फुट चौड़ाई है और इन्होंने इसमें 3000 का बैच रखे हैं, 7 लॉट निकाले हैं, पर लॉट मतलब 40-45 इनका सैलरी जाता है, मिनिमम 40, जैसा कि पिछले बता रहे हैं 45 आया था और इसमें भी ऐसा ही कुछ आएगा। तो सर 5 लाख में सीट का कितना बैठ गया था? तो करकट का, हाँ करकट का सीमेंट कर, सीट का, हाँ लगभग 1 लाख रुपया लगे। 1 लाख रुपया बोल रहे हैं कि सीमेंट सीट में लग गया, बाकी लगभग समथिंग मिट्टी भराने में भी 60-70 हज़ार रुपये लगा, 70-80 हज़ार कुछ बोल रहे हैं ऐसे लग गया। इसके अलावा ये ईंट हो गया, लकड़ी आप देख रहे हैं और ये ताड़ का ये चिराई है, मजदूरी है, जाली है, ये सब मिला करके, हाँ डिब्बा पंखे है, डिब्बा है, ये सारा कुछ ड्रिंकर फीडर सारा कुछ मिला करके इसी में 5 लाख के अंदर में इनका फार्म तैयार हो गया था। और लगभग ये 3000 बैच का ये फार्म है, 160 फुट लंबाई और 27 फुट चौड़ाई का है। तो इस तरह से भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू करें। अभी ये जो कंपनी है, ये कंपनी अभी अच्छा दे रही है कि इसको अभी छोड़ करके कोई? नहीं नहीं अभी ठीक है कंपनी, अभी ठीक कंपनी है, कंपनी ठीक है भाई, अभी ठीक कंपनी है। ये सारा फीड जो है, जैसा कि फीड आप देख रहे हैं नजदीक से, ये फीड और इसका मेडिसिन सारा कुछ कंपनी देता है, सारा चीज़ कंपनी देती है, सारा चीज़ कंपनी देता है। अच्छा, और अभी ये मतलब 35 दिन का हो गया है, 2 kg प्लस में जा रहा है, तो इसका भी अब टाइम हो गया लिफ्टिंग का। हाँ, इसका मोर्टिलिटी भी कुछ होता है? ये है मोर्टिलिटी तो है, थोड़ा बहुत मोर्टिलिटी भी होता है, जैसा कि देख रहे हैं 1-2 मुर्गियाँ इधर मरी पड़ी है, तो मतलब 2-4-5 मोर्टिलिटी भी हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो उतना होना ही होना है। तो वीडियो लंबी हो रही है, मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा कि जो व्यूअर्स हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।